The water drop falls at regular interval from a tap 5 meters above the ground. The third drop is leaving the tap at instant. The first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant is? सुन आप, आप बॉल्स को छत से छोड़ रहे हो भैया से, छत से बॉल्स को छोड़ा जा रहा है, नीचे ग्राउंड है, ठीक है ना? रेगुलर इंटरवल के बाद ये गिर रही है मतलब बूंदे, और वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम इट 5 meters अबाउट द ग्राउंड, ये वाली हाइट कितनी है बताइए? यहाँ पे टोटल हाइट 5 meters, छत की हाइट 5 meters है। जब तीसरे वाली, देखो पहले वाली बॉल छूटी यहाँ पे, ये सेकंड है, और जब ये तीसरी है, जब थर्ड, ये तो फर्स्ट थी, सुनो पहले वाली देखो, ये वाली यहाँ आ गई फर्स्ट है, तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड अभी छूटने वाली है। इसने बोला है कि तीसरे का छूटना और पहले का ग्राउंड से टकराने इकट्ठे हो रहे हैं। जब पहले वाली जस्ट टकराने को है तो तीसरे वाली छूटने को है। पहले तीसरे वाली का ग्राउंड से टकरा, फर्स्ट वाली का ग्राउंड से टकराना और तीसरे वाली का छूटना इकट्ठे हो रहे हैं यार, समझ में आ रही बात आपको? हाउ फार अबाउ द ग्राउंड इज देयर सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। इस सिचुएशन में जब पहले वाली बॉल टकराने वाली है और तीसरे वाली छूटने वाली है, इस सिचुएशन में जो सेकंड वाली ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में आपको? एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ मैं, क्या है क्वेश्चन में, छत है 5 meters ऊपर, छत कितना ऊपर है, 5 meters ऊपर है, एक बॉल को छोड़ा गया, बॉल या ड्रॉप एक ही मतलब है, छोड़ा उसे कुछ टाइम बाद, वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे जरूर 1 second से भी कम है, टाइम की वैल्यू 1 second से भी कम है, क्योंकि टाइम की वैल्यू अरे 1 second भी होती ना तो फिर यार मतलब इस तीसरी, ये मतलब जो है ना, इसको चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, जैसे ये गैप 5 meters ना होता फिर ये वाला गैप ज़्यादा होता फिर, क्योंकि 1 second में ही 5 minutes ट्रैवल हो जाता है, 1 second में ही पाँच, फिर अगली सेकंड में 15 minutes ट्रैवल हो जाता है, तो जरूर टाइम का जो इंटरवल है जितने टाइम के बाद आप छोड़ रहे हो वो 1 second से भी कम है। इसने एक बॉल को छोड़ा, कुछ टाइम के बाद दूसरी बॉल छोड़ा, और फिर कुछ उतने ही टाइम के बाद तीसरी बॉल छोड़ी, और जब ये पहले वाली टकराने वाली है तो तीसरे वाली छूटने वाली है। इस सिचुएशन में आपको ये बताना है कि सेकंड बॉल की ग्राउंड से हाइट कितनी है। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी, ये समझ में आ गया आपको? इधर समझ में आ गया क्वेश्चन क्या? अच्छा सुनो, मान लेते हैं कि टी टाइम बाद छोड़ रहे हो आप, इसको छूटे हुए 0 time हुआ है, इसको छूटे हुए टी टाइम हो चुका है, और इसको छूटे हुए कितना टाइम हुआ है फिर 2T। मान लो हर बॉल को छोड़ रहे हो आप टी टाइम बाद, हर बॉल को आप टी टाइम बाद छोड़ रहे हो मान लो, तो इसको छूटे हुए 0 time हुआ है, इसको छूटे हुए टी टाइम हो चुका है, इसको छूटे हुए कितना टाइम हो गया 2T time हो गया, समझ रहे हो बात को? 2T time हो गया इसको छूटे हुए। ये मत सोचना यार ये मतलब ये इसको 3T हो गया, ऐसा नहीं है, इसको 2T time हुआ है, ठीक है ना? अब एक बात बताइए, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 2T time एस इक्वल टू UT+F2² लगा दो, ठीक है ना? इस वाली ड्रॉप के ऊपर लगा रहे हो जो यहाँ से यहाँ तक आई है, एस की वैल्यू 5 meters, यू है 0, एक्सेलरेशन कितना है इसके अंदर 10 ले लो, और टाइम की वैल्यू यहाँ पे 2T² 5 = यहाँ पे आएगा 5 × में 4T², T² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/4, तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/2 second, तो टाइम आधा आधे सेकंड का भाई, इसको छूटे हुए आधा सेकंड हो चुका है, इसको छूटे हुए 1 second हो चुका है, इसको तो होना भी चाहिए 1 second क्योंकि टोटल 5 minutes ट्रैवल किया है, टोटल 5 minutes ट्रैवल किया तो 1 second हो गया, तो 1 second तो इसको कितना टाइम हो गया आधा सेकंड। अच्छा ये आधे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी आधे सेकंड में बताओ? दोबारा सेकंड इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू UT+F2² लगा दो आप, यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10, और टाइम की वैल्यू आधी सेकंड है। ये देख रहा हूँ मैं, इसने कितना डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है ये देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 5, तो 5/4 meters ये वाली लेंथ, ये लेंथ है 5/4, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी बताइए यहाँ पे? 5 में से 5/4 कटा दो आप, ये थी 5/4, ये पूरी 5 है तो 5 में से 5/4 कटा दिया, कितना बचेगा बताइए? 15/4 meters आंसर आएगा, 15/4 होता है 3.75, ये वाला आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको ये वाला? हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक?